इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि इंसर्ट कैसे करते हैं सेल्स और कर्नल को रीसेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव किस नाम से करते हैं? हम सीख रहे हैं इंसर्ट सेल्स एंड रीसेट द कर्नल, तो हम इसको यही नाम दे सकते हैं। देखिए ये नाम आ गया इंसर्ट सेल्स एंड रीसेट द कर्नल। देखिए ये आपके पास है कोडिंग के लिए पाइथन में। सपोज अगर मैं लिख लेती हूँ a इज इक्वल टू 8, राइट। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट सेल पे और यहां मैंने लिख लिया c इज इक्वल टू 2। बाद में मैंने थिंक किया ओ a और c आ गए, b यहाँ पे मिसिंग है, मुझे पहले b भी लिखना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और इंसर्ट सेल अबव या इंसर्ट सेल बिलो। हम अभी यहाँ हैं, हमें सेंटर में चाहिए, तो मैं कहूंगी इंसर्ट सेल अबव। तो देखिए इसके बीच में आ जाएगा, तो यहां मैं लिख सकती हूँ बी इज इक्वल टू 3 और जो भी हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो आपको जाना होगा इंसर्ट पे और फिर आपने करना है इंसर्ट सेल बिलो, तो आपके पास एक और सेल आएगा। जैसे हमें डी भी चाहिए तो मैं यहाँ पे सी पे जाऊंगी और मैं कहूंगी इंसर्ट के बाद इंसर्ट सेल बिलो। पहले आपने सिलेक्ट करना है, फिर आपने बताना है कि अबव करना है या बिलो करना है। अब हमने यहाँ करना है तो आप यहाँ पे इसको डी की वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इस तरह आपने ये सीखा कि इंसर्ट कैसे करते हैं सेल्स। इसके बाद है रीसेट द कर्नल। कभी कभी ऐसे होता है कि जुपिटर नोटबुक पे आप काम कर रहे होते हैं और जुपिटर नोटबुक अनस्टेबल स्टेट में आ जाती है। कभी ऐसे होता है कि ब्राउजर आपका फ्रोजन हो गया या आप कोई कोड लिख रहे हैं, कोड टू लॉन्ग हो गया और वो फिनिश नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कर्नल पे जाना है, रीसेट द कर्नल पे जाना है और आपने रीस्टार्ट को क्लिक करना है। देखिए रीस्टार्ट को आप क्लिक करेंगे, एक है रीस्टार्ट एंड क्लियर आउट, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। इससे क्या होगा कि जो मेमोरी में है वो सारा डिलीट हो जाएगा, बल्कि आप रीस्टार्ट कर दें, यहाँ से कंटिन्यू और रनिंग रीस्टार्ट आपसे कंफर्मेशन आ जाती है और ये आपके पास रीस्टार्ट हो गया, ट्रस्टेड मोड में आ गया, राइट। अब क्या है, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि हम इस कोर्स में पाइथन 3 यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द कोर्स। तो आपको ये अच्छी तरह मेक श्योर होना चाहिए कि यहाँ पाइथन 3 होना चाहिए, कोई और वर्जन इसका पहले, जैसे पहले का वर्जन है पाइथन 2, वो नहीं होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे पाइथन 2 आ गया आपके पास, तो आपने कर्नल पे जाना होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और रन करता है जुपिटर नोटबुक को। यहाँ से आके आपने कर्नल को चेंज करना होगा। हमारे पास पाइथन 3 है, अगर सपोज आपके पास पाइथन 2 भी है, आर भी है, तो यहाँ से आपको मिलेगा, आपने कर्नल पे जाना है चेंज कर्नल। यहाँ पाइथन 3 ही है इसलिए हम इसको 3 ही रहने देंगे। तो इस लेसन में आपने सीखा कि कैसे करते हैं इंसर्ट सेल्स, कैसे करते हैं रीसेट द कर्नल, कैसे करते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और जुपिटर नोटबुक को रन करता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।